अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गेम शो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल इन मजा में। यार दोस्तों, तहे दिल से फिर से माफी चाहूंगा आप लोगों से कि इतने दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है। यार मतलब शक्ल देख के देख लो क्या हालात हो रहे हैं यार आपके भाई के। यार इतना ज्यादा बिजी हूँ मैं, इतना ज्यादा बिजी हूँ कि क्या बताऊँ। मुझे कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा अपने ऑफिस के काम से, अपने पर्सनल वर्क से। इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ कि क्या बताऊँ यार। तो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, और चेहरा देख लो यार कितना गंदा हो गया। तो पहले मैं ये सुधार के आपसे मिलता हूँ। What's up people, मैं ही हूँ लखनवी अमन ही हूँ। यार देख लो ये चेहरा जो है, मतलब 8 महीनों के बाद मैंने जाके क्लीन शेव कराई। ऐसी हिम्मत जुटाई कि जाके क्लीन शेव करा सकूँ और आप लोग के सामने ऐसे आ सकूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने तब से बिल्कुल भी नहीं कराया, क्योंकि मैं डरता था कि भैया सामने आऊँगा, लोग क्या रिएक्शन रहेगा, कैसा रहेगा। हमने कहा चलो ठीक है, अपने ही लोग हैं, अपनी ही फैमिली है, जैसा भी रिएक्शन रहेगा सब मुझे बता देंगे। तो यार कल है हमारा पहला रोज़ा, रमज़ान स्टार्ट हो गया, रमज़ान का चांद निकल आया है। सो यार आप सबको तहे दिल से हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग जितने भी लोग रोज़े रखिएगा, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा धूप में मत निकलिएगा दिन में, क्योंकि भैया गर्मी तो भैया अपरंपार हो चुकी है यार। सूरज देवता तो मतलब बिल्कुल छाए हुए हैं, कभी 40 कभी 45 कभी 43 समथिंग, मतलब चल ही रहा है अपना ये। और हाँ, शहरी में कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके मतलब ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आप हाइड्रेट रह सके, डिहाइड्रेट ना हो दिन में। लाइक वाटरमेलन ले लीजिए या योगर्ट ले लीजिए, ऐसी चीज़ें, पानी ज़्यादा पीजिए सहरी में। और इफ्तार के बाद कोशिश करिए कि ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो बेटर है कि इफ्तार के बाद थोड़ा सा कम खाइए और सहरी में आप लोग जम के खा लीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ें खाइएगा वाटरमेलन जिससे आप पूरा दिन भर हाइड्रेट रह सकें और धूप में ज़्यादा ना निकलिएगा। और हाँ, इट्स 8:46 इन द नाइट, आज है 6 तारीख, और हमारा जो जिम्मेदारी थी अपने देश के प्रति वह हम निभा के आ चुके हैं। मैंने दिन में ही निभा ली थी अपनी जिम्मेदारी, तो हमने कहा ठीक है बस अब आए अपने दोस्तों से मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए अपने भाई लोग दोस्तों से मिले नहीं हैं, तो बातचीत करते हैं कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी मूवी देखने के लिए, अपनी एक ब्लैंक मूवी आई हुई है। हमने कहा जब देश के प्रति जिम्मेदारी निभा ली है, कल से रमजान शुरू है, तो आज एक जाके मूवी देख आई जाए फैमिली के साथ, तो भी वही जाते हैं मूवी देखने। तो चलिए ज़्यादा बोल मचे ना करते जाके देखते हैं सनी बाजी की ब्लैंक मूवी। And I know I'm looking very weird right now, so please guys, थोड़ा सा सहन लेना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा weird लग रहा है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा अपना ये। Oh boy, it's 12:59 in the night and movie या blank भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, देखने वाली मूवी है, तो देखना जरूर जाके सिनेमा हॉल्स में। और बाकी बस मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, अब जाके सहरी करूँगा और उसके बाद फिर सो जाऊँगा। बस कुछ नहीं है तो दिखाते हैं अभी, जाते घर जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइज, इट्स 10:23 इन द मॉर्निंग और 8 तारीख है, 7 तारीख है, और घर कल रात को घर आने के बाद मैं यार इतनी गहरी नींद में सोया कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सहरी में उठा, क्या खाया क्या नहीं खाया, अम्मी ने खिलाया कि पता भी नहीं चला मुझे कुछ भी। और उसके बाद फिर सो गया, फिर उठा और अब जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, लेकिन यार इतने काम है आज, इतनी मीटिंग्स मेरी पेंडिंग है कि मुझे पहले वो काम करना है। तो यार आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही यार। आई नो इट्स अ शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग, सो यार जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और बाकी कुछ चीज़ें बताओ यार कि आप लोग लखनऊ में और क्या देखना चाहते हो, लखनऊ की सुबह देखना चाहते हो आप लोग, रमज़ान की जो सहरी होती है क्या क्या होता है उसमें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखो आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी आप लोग जो भी देखना चाहते हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखा करो, और लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। सो यार आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय। चांद नजर आया क्या अभी? है अभी वो देख चांद, वो क्या है रॉकेट? अबे तुमने अलग ही, रॉकेट है वो, अबे हेली वो प्लेन जा रहा है, रॉकेट है, हद मार कर दी यार तुम भी, तुमने इनको रॉकेट नजर आ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं, आइए वो देखिए इनको रॉकेट, ये रॉकेट नजर आ रहा है इनका, तुमने ऐसा बोला तो मैंने वो देखा।